अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो नेक्स्ट की हम वन बाय वन रीड आउट कर रहे हैं। लास्ट की हमने कैंडिडेट की को रीड आउट किया था, अब जो की है वो प्राइमरी की को हम डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की। हमने कैंडिडेट की पढ़ा था कि सिलेक्टिव आइटम्स एट्रीब्यूट्स को हमने सिर्फ लेना है और जो एक्स्ट्रा है उसको एक्सक्लूड कर देना। प्राइमरी की उसी कैंडिडेट की को प्राइमरी की एक कैंडिडेट की ही होती है, डेट इज़ सिलेक्टेड बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर, जो कि डेटाबेस डिज़ाइनर की तरफ से सिलेक्ट की जाती है। टू आइडेंटिफाई टपल्स, टपल्स रोज को कहते हैं, की शनाख्त करने के लिए। यूनिकली आइडेंटिफाई इन रिलेशन, अकेला क्या वो एक जो एट्रीब्यूट है उसका रिलेशन सबके साथ, उसको सिलेक्ट कौन करता है? डेटाबेस डिज़ाइनर। सम इम्पोर्टेंस पॉइंट अबाउट प्राइमरी की आर, रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक रिलेशन में सिर्फ एक प्राइमरी की ही होती है, हो सकती है। ईच वैल्यू इज़ प्राइमरी की, एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। हर एक वैल्यू का जो प्राइमरी की में एट्रीब्यूट यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी की कांट कंटेन नल वैल्यूज़, प्राइमरी की में नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि नल वैल्यूज़ कोई डाटा ना हो, ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट एक स्मॉलर जो पॉइंट्स थे प्राइमरी की के हवाले से, ये इनफ है आपके डेटाबेस के हवाले से। आप इसकी नॉलेज गेन करें और जो मैंने आपको स्लाइड प्रोवाइड करूँगा उससे देख कर रीड आउट कीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्टरनेट की को रीड आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।